गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ईद के बाद ईद का पहला स्पेशल शो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ, ईद चली गई लेकिन बहुत सारी यादें छोड़ गई, बहुत सारा गोश्त खिला गई। अब देखा, जब भी मैं वापस आता हूँ आई फील कि आई एम पफी फेस वाइज, क्योंकि ना इतनी कलेजियाँ, इतनी बोटियाँ, तिक्का बोटी है। वो जो घर पे बारबेक्यू होता है ईद की रात को या ईद के सेकेंड डे जो हमने किया अपने टेरेसिस पे, मज़ा आ जाता है। जब लाइव बारबेक्यू बनता है, जो उसकी खुशबू होती है, और जब खाना आपको सर्व होता है, इट्स ऑल अमेजिंगली अमेजिंग। तो यही तो खूबसूरती है, और इस्लाम की खूबसूरती ये है कि इस्लाम हमें सिखाता है मिल बैठ के इंजॉय करना। ये कल्चर हमारे ही मज़हब का है कि ईद पे हम सब रिश्तेदार, बहन भाई, सब लोग, दोस्त वगैरह मिलते हैं, गोश्त शेयर करते हैं, और इस तरह से कुर्बानी का वो जो जज्बा है, वो जो एक अहद होता है अपने आप से, उसको हम ताज़ा कर लेते हैं। सो आज इसी बात से शो का स्टार्ट करेंगे कि ईद काफ़ी अच्छी गुजर गई। थैंक गॉड कि SOPs को आप लोगों ने फॉलो किया, वर्चुअल हग्स दिए आप लोगों ने, और चीज़ें ठीक ठाक रहीं और सब सुकून रहा। आई एम हैप्पी कि केसेस जो हैं वो दोबारा से डिप डाउन हुए हैं, एंड नाउ वी हैव 1600 केसेस लास्ट 2 डेज में। सो आई थिंक इट्स बेटर, थोड़ा नीचे जा रहा है। वो जो 2500 तक गया था ईद के पहले, वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस की वजह से काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। एनीवेज, ईद पे बहुत सारे गाने भी रिलीज़ हुए हैं, हमारे बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो अपने गाने रिलीज़ करते हैं, वो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो दो हैं, और दोनों ही अपनी फील्ड में शानदार काम कर रहे हैं। लेडीज़ फर्स्ट का मैं मंत्र अपनाऊँगा और जाऊँगा अपनी दाएँ जानेब। पहली बार मेरे शो में आई हैं यहाँ पर। आई डिड हर इंटरव्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्चुअल ऑनलाइन इंटरव्यू हमने किया था इंस्टाग्राम पे, दैट टर्न आउट टू बी अ वायरल हिट। और आज मैंने कहा कि इनको मेरे शो में आना चाहिए। एक ऐसी धान पान सी लड़की जो बहुत प्यारी है पहले तो, एंड वेरी ब्लेस्ड सोल, और एक अमेजिंग तरीके से अपने करियर को लेकर चल रही हैं। यस, शी इज़ अ सेंसेशन इन म्यूजिक। She is viral, viral because of her OSTs, of her magical hits जो उन्होंने दिए, और जब भी गाती हैं कमाल कर देती हैं। आवाज़ भी सीखी हुई आवाज़ और प्योर खूबसूरत आवाज़, लाइव गाती हैं तो कमाल कर देती हैं, कॉन्सर्ट्स करती हैं तो जादू भी खेल देती हैं। हाल ही में मैं भूल नहीं पा रहा अपने फेवरेट डेली सोप का OST, यानी मोहलत ड्रामा जो जियो पे चला और काफ़ी रेटिंग्स लिया, उसका भी OST इन्होंने गाया। प्लस रमज़ान का मेगा हिट ऑन हम, चुपके चुपके, फीचरिंग आयजा खान एंड उस्मान, दैट वाज आल्सो टर्न आउट टू बी अ वायरल हिट, वो भी इन्होंने गाया था। उसके अलावा बहुत सारे OSTs गा चुकी हैं। कोक स्टूडियो सेंसेशन है, आलावाली आलावाली, और भी बहुत सारे गाने इनकी पहचान है, हमारी बहुत फेवरेट आवाज। एंड आई एम हैविंग हर ऑन माय शो, ऑन माय मॉर्निंग शो। शी इज एंटरिंग विद अ बिग बैंग। लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल, सोलफुल, स्किंटिलेटिंग नाइटिंगेल वॉइस ऑफ पाकिस्तान, निर्मल रॉय। यू गेस्ट इट राइट। अस्सलाम वालेकुम एंड पोस्ट ईद मुबारक। खैर मुबारक। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। देखिए, जरूरी था ना, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और करती रही हैं। एंड यू नो, आई हैव बीन फैन ऑफ योर मैजिकल करियर। जिस तरह आप एलिगेंटली इसको हैंडल कर रही हैं, ये हर एक का खासा नहीं है। और मुबारक हो आपको पहले। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। वो भी ईद के बाद। आई थॉट कि सब बिजी हैं आजकल जी, तो आपने कहा कि नहीं मैं टाइम निकाल लूंगी। ये चीज, आई एम विक्टोरियस, आपने बुलाया और हम। थैंक यू सो मच। सो हाउ वाज ईद, पहले की बताएं फिर हम जाते हैं दूसरे। ईद मेरी थोड़ी सी बिजी गुजरी है, आई एम श्योर, क्योंकि प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और आई वाज इन कराची, आई जस्ट केम बैक 2 डेज बैक। दैट मींस कि समथिंग रियली गुड इज कमिंग अप। अगर आप कराची जा रही हैं, कुछ काम करके आते हैं। एक्चुअली आई वाज देयर फॉर अ कॉन्सर्ट, और कॉन्सर्ट के कुछ OST भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर जाते हैं। आई नो दैट। या तो ईद मेरी वहां पे गुजरी है और अभी कुछ दिन पहले ही वापसी हुई है, तो बस आते ही आपके शो पे। ये चीज, बहुत शुक्रिया आने का। आपकी चाय, आप चाय पीती हैं? वैसे मैं चाय पीती हूं। क्यों नहीं पीती? पता नहीं, ये सब हैरान होते हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और exactly, वो गले को रिफाइन कर देती है आवाज को मजीद। सुना था तो यही था, ऐसा होता है, पर कभी कभी पी लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आज हम बहुत सारा म्यूजिक सुनेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आई विल बी प्लेइंग सम वीडियोस ऑफ निर्मल रॉय, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम निर्मल जो है वो गुड मॉर्निंग को हिनूर में आई है जैजी के साथ। मेरा एक ऐसे दोस्त जो कमालेपन काम करते हैं, व्हेन आई केम बैक फ्रॉम बहरीन आई गॉट सम न्यू गुड फ्रेंड्स, और जो कि मेरे बेस्टेस्ट हो गए। और पता नहीं क्यों, क्या बात है इनमें कि मैं हर दिल की बात जाके इनके सामने कर देता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, अब मैं कहता हूँ क्यों बात की, लेकिन नहीं, वो बंदे बहुत अच्छे हैं, दिल से मिलते हैं और दिलों के दोस्त हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान की और ड्रेसिंग की बात करें, मेंस वेयर की बात करें, तो हुमायूं आलमगीर का नाम अब किसी तारुफ का मोहताज, बल्कि अब मेरी
सारी ईद जो थी वो उनके कपड़ों में ही गुजरी। और अगर दुआ के मैं तो अक्सर उन्हीं के ही सब कपड़े पहन के जाता हूँ, बिकॉज लोग कहते हैं कि तुमने कहाँ से लिया, क्योंकि हुमायूं आलमगीर रॉक्स। तो हुमायूं आलमगीर के जो लाहौर में रूह रवा हैं उसामा आलम, वो यहाँ पर हैं। और उसामा ने भी हुमायूं आलमगीर लेबल को फैलाने में लाहौर में कसर नहीं छोड़ी। इज़ अ ट्रू हार्ड वर्कर गाय। वैसे तो वो खुद मॉडल लगते हैं, एक्टर लगते हैं, मैं तो कहता हूँ उसामा कुछ कर लो, यही जवानी है। जवानी जो है तो इसको कैश करो और मॉडलिंग करो, एक्टिंग करो, बिकॉज ही हैज सो गुड लुक्स। तो आइए वेलकम करते हैं द अमेजिंग उसामा आलम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उसामा आप? ईद मुबारक को, अच्छा लग रहा है, क्या बात है। ओ माय गॉड, ये वही शूज है, बिल्कुल वही शूज है। यू नो, अब तो मुझे लोग कहते हैं कि मैं बहुत पहने लग गया, लेकिन पता है वो कपड़े ऐसे हैं ना आप लोगों के, चीजें असल में जैसी है कि आप हर जगह उसको आप कैरी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, प्लस आप चीज को इतना अच्छा कैरी करते हो। जब मैं बताऊं आपको नाज़रीन सबके सामने, आपको भी बताऊंगा निर्मल, कि हम स्टाइल अवार्ड्स लक्स सॉरी जो पहले हुए थे BCWs में, मैंने हुमायूं आलमगीर को वेयर किया और लोग कहते हैं तुम ये किसको पहनते हो, वो तो एक अजीब सा तुम्हारी लुक बदल जाती है। और वाकई कपड़े लुक बदल देते हैं, आपका पूरा अटायर बदल जाता है। सो हुमायूं आलमगीर रॉक्स है ना। सेकंडली डिपेंड्स दैट हाउ यू कैरी, कैरी भी करना चाहिए। और आप माशाल्लाह कैरी भी बहुत अच्छा, और आप भी तो मुझे पूरा वो कहते हैं तैयार करवाते हैं कि तुम्हें ऐसे जाना है ब्लू यहाँ वो करके, और यू नो सर आपका कमाल था डिटेलिंग। ईद कैसी रही आपकी? ईद अच्छी थी, इट वाज यू नो, ये ईद तो जरा थोड़ी सी सोए सोए में गुजरती है। हाँ, दिन में तो कुछ करने को होता नहीं है, काइंड ऑफ बोरिंग टाइप ऑफ थिंग, लेकिन ये एक सुन्नत पूरी करके और फिर आप अपना नींद पूरी करते हैं। 3 दिन की छुट्टी थी, गोश्त कम खाया। हाँ, लग रहा है आपको कोई फैट नहीं चढ़ा। लग रहा है गोश्त कम खाया। पता है यही 3 दिन होते हैं निर्मल और उसामा के जो इम्तिहान के होते हैं। बिल्कुल, अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया अपनी डाइट पे, वो बिरयानियों की फुल प्लेट नहीं खानी, वो दबा के कलेजियां नहीं खानी, नान नहीं खाने, नान नहीं खाने, नान तो यू नो मैंने कितना तक खाता था, लेकिन पता इतने कटे कटे मेरा एक अलग से एक मेरी जो सोच है वो ये है कि आप देखें सारा साल हम लोग इतना हम लोग मटन बीफ वगैरह नहीं खाते, हम लोग सारा चिकन ही खाते हैं। तो अगर हम ये 2-3 दिन थोड़ा सा अगर मटन खा भी लें, और खाना भी चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी को ऑब्वियसली हर चीज की जरूरत है, तो अगर आपने मटन खा भी लें तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी वाली बात की तरह हाथ कंट्रोल करके, हाँ कंट्रोल करना चाहिए। और पता है पोर्शन ऑफ द फूड मैटर्स, कितना फूड खा रहे हैं। एनीवेज बातें होती रहेंगी बहुत सारी, फिलहाल आज के शो को म्यूजिकल डोज से स्टार्ट लेते हैं। आतिफ असलम का ब्रांड न्यू गाना भाई आ चुका है, और देखा आपने गाना वो? नहीं मैंने नहीं देखा। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका अच्छी बात है, सिंगर्स नहीं देखते ये गाना? नहीं नहीं, मैं कह रहा था अदा उनका गाना नहीं देखा। वेल डन ऑन दैट। आतिफ असलम फीचरिंग सजल अली, और सजल जितनी ओवर हो गई ना इस गाने में, अच्छा जितनी उनकी ओवर नहीं हुई वो। अच्छा। आइए गाना देखते हैं, आप भी चेक करें कितनी ओवर हुई हैं वो इस गाने में। लेकिन सजल ने भी एकदम से एंट्रीज दी है, उनकी नई फिल्म भी आने वाली है बिलाल अब्बास के साथ खेल खेल में, उसके पोस्टर रिलीज हो गए। फिलहाल आतिफ असलम विद रफ्ता रफ्ता, ये गाना था ना, यही था, बिल्कुल सही है। वापस आते हैं इस गाने के बाद। आ गए हम वापस, और क्या खूबसूरत गाना था आतिफ का रफ्ता रफ्ता फीचरिंग सजल। और फिलहाल मेरी कहानी मेरी जुबानी जाएंगे टूवर्ड्स निर्मल। निर्मल बचपन से स्टार्ट करें, हाउ वाज योर चाइल्डहुड, और कैसे म्यूजिक में आई, किसको सुनती रही, सब बताएं। अच्छा बचपन में तो अगर देखें बचपन मेरा काफ़ी डिफरेंट था, अगर आप अभी अभी वाली पर्सनैलिटी को बचपन से कंपेयर करें तो मैं बहुत शाय थी, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, आई कॉल माई सेल्फ एम्बीवर्ट, और जो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है उस हिसाब से मैं इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होती हूँ। बिल्कुल, बट बचपन ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा शाय थी और मुझे सामने आना अच्छा भी नहीं लगता था, बहुत रिजर्व बच्ची थी। तो लेकिन मेरी जो मदर थी वो चाहती थी कि उनको पता था मुझ में टैलेंट है, मैं गाती हूँ, आवाज़ अच्छी है, सो शी वॉन्टेड मी टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, और फिर वो मुझे लेकर भी जाती थी। And I've won more than 12 singing competitions. Oh my God! और इस तरह बचपन से गाते गाते फिर फाइनली मैंने मेरे कॉलेज में एक एनुअली एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता था द वॉइस ऑफ कनेड के नाम से, वहाँ पे सर शिराज उपल एज अ जज आए थे। वो किस्मत नॉक नॉक कर रही थी उसमें, बिल्कुल है ना। वो सिंगिंग कंपटीशन मैंने विन भी किया था, और वहाँ पे उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे अपने किसी सॉन्ग में एज अ प्लेबैक सिंगर बुलाना चाह रहे हैं। सो आई वेंट टू हिज स्टूडियो, वहाँ पे गाना रिकॉर्ड हुआ, वो गाना जो पहला उनके साथ रिकॉर्ड हुआ था अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज तो नहीं हो सका, बट ये है कि उसके बाद मुझे कोक स्टूडियो की अपॉर्चुनिटी मिली शिराज भाई। आई मीन यहाँ जरा स्टॉप करें आप, देखिए आपको सोचे उसामा कि अभी करियर स्टार्ट हो रहा हो
और आपको कोक स्टूडियोज की मिल जाए अपॉर्चुनिटी. क्या बात है, आई फील रियली ब्लेस्ड. मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. उससे पहले मैंने एक दो ओएसटीज किए थे कुछ और प्रोड्यूसर्स के लिए. कैसे ऑफर आई, किसने सुना आपको, उन्होंने कहा कि ये आवाज को लेके आते हैं कोक स्टूडियोज में? ये शराज भाई नहीं सुना था. उन्होंने कहा नहीं इनको रेफर करो. बिल्कुल. तो उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, आई वाज लाइक 18 और 19. ठीक है, शायद 18 की थी मैं. तो उन्होंने बोला कि इसको कोक स्टूडियो में लेकर जाना है. तब जाबिर अब्बास के साथ मैंने डुएट किया था आला वाली, जो मेरा पहला गाना था आपका, वो मेरा कोक स्टूडियो का. हाँ जी, इतना मुश्किल गाना. हाँ, अब आपका पहला गाना था, इट वाज अमेजिंग सॉन्ग. थैंक यू. हम आज भी उसकी हमिंग करते हैं बहुत. आई लव दैट सॉन्ग. बिल्कुल. सुना गाना आपने वो? बिल्कुल. आला वाली बहुत अच्छा गाना था. अच्छा गाना था, जबरदस्त. थैंक यू. और आप बताइए आगे उसके बाद क्या हुआ फिर? अच्छा, उसके बाद फिर कोक स्टूडियो सीजन 10 भी मिल गया, वो किया. और फिर डिफरेंट ओएसटीज, अभी तक आई हैव डन मोर देन 25 ओएसटीज. वाओ. तकरीबन 4-5 साल में. और आई मीन ओएसटीज भी करना, वो भी सुपर हिट ओएसटीज. बिल्कुल. और उसके अलावा फिर फिल्म के प्रोजेक्ट्स, रौन की आश की पंजाब नहीं जाऊंगी मैं. ओ या रौन की आश की, वो गाना भी नहीं का था. वेरी गुड. फिर छलावा का टाइटल ट्रैक, छलावा है छलावा, वो भी ना गाया. वो भी आपका है? सुन ले जरा आप. ओह आई लव दैट सॉन्ग. पाकिस्तानी टैलेंट चेक करें आप. Very amazing. Nice. और अभी रिसेंटली ओएसटी रिलीज हुआ था मोहलत. मोहलत तो मैंने पूरा देखा है एंड तक. हाँ जी. और चुपके चुपके जो रमजान में आया, चुपके चुपके रमजान में, तो शाम में उनसे ही हमने देखते रहे. ये दो ओएसटी है जो आजकल सब बहुत प्यार दे रहे हैं. कौन कौन से ओएसटी गाए पहले? मैं हर ड्रामा देखता हूँ, बताया आप. मैं हर ड्रामा देखता हूँ. अच्छा, उससे पहले मैंने गुलो गुलजार गाया था. गुलो गुलजार, दोनों बहनें, दोनों सहेलियाँ. बिल्कुल. मैं क्यों ना देखूँ, मैं सब ड्रामे देखने वाले हैं. वो मैं ड्रामास देखती नहीं हूँ. मैं देखता हूँ ना, पर मैंने वो ड्रामा देखा था, अच्छा था वो. गुलो गुलजार भी अच्छा ओएसटी था, एयर वाइफ पे. फिर मेरे मोहसिन. मेरे मोहसिन, वो थोड़ी लाइन मुझे चाहिए आपसे अभी. मैं स्टार्ट यू से करने वाला हूँ. आई लव दैट ओएसटी सच में. Reviving those amazing OSTs in the voice of Nirmal Roy. Beautiful. Hai na? Amazing, amazing. So your career has been so elegant, so beautiful. And jis tarah aapne isko handle kiya hai, iske liye ek, you know, wise mind hi chahiye. Aur mera khayal hai ki mashallah abhi to unka career ka start hai, samjhe. Yeah. I mean, there's a long, long path to cover abhi tak, mashallah. And I always see ki main dekhta hu Nirmal Roy ka naam, to jab main ek aata hai ek badi elegant si ladki jo bada shandar apna leke. Dekhiye, Coke Studio aapke tag pe hai, leading drama ke overseas aapke tag pe hain. So aur kya chahiye? Concerts aapke tag pe hain. Amazing. बिल्कुल. आला बाली साथ में. बस कोशिश रहती है कि ज्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट और ओएसटी जो भी जिस तरह भी है सॉन्ग्स निकालते रहे और सब बहुत पसंद भी करते हैं. बिल्कुल. आई एम श्योर. सो ऑल द बेस्ट विद ऑल द थिंग्स यू आर डूइंग. आला हैं आप, आला. देखा आपने भाई, ये है पाकिस्तानी टैलेंट, माशाल्लाह. अब आपकी कहानी पे मैं आऊंगा दोबारा से, क्योंकि आज बहुत देर बाद आए हैं वापस, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हमारे नए व्यूअर्स बहुत बढ़ गए हैं ना इस दौरान रेटिंग्स में, तो बताइए फिर कहाँ से शुरू करा, कहाँ से बचपन से शुरू करें आप? बचपन कहाँ पैदा हुए आप? मैं कब पैदा हुआ? नहीं कहाँ, कब कहाँ पैदा हुआ? नहीं पूछा. नहीं कब से एजेस नहीं पूछते. नहीं हम कब से शुरू कर लेते हैं. ओह रियली? कब पैदा हुए? 7 अक्टूबर 1994. बहुत छोटे हो तुम. उसके बाद फिर कराची. क्या बना आपका? लिब्रा. लिब्रा. आर यू ट्रू लिब्रन? I usually don't believe in stars. Okay. ना मैं पढ़ता हूँ. लेकिन खूबी बताओ कि क्या खूबियाँ होती हैं? नहीं मुझे इतना नहीं, मैं उस चीज़ पे focus करता. ठीक है. फिर I'm from Karachi by birth. Okay. I lived in Karachi. वो लगता है मुझे आपके स्टाइलों से. 18 to 20 years. O levels, early education, O levels, A levels Karachi से किया. Then I got an opportunity for the store in Lahore. और फिर हमने इट्स बीन 7 years 8 years आई एम इन लाहौर एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग फैंटास्टिक अप टिल नाउ. आई डिड माय बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग. एग्जैक्टली. तो वो मुझे उसकी मेरे काम में बहुत हेल्प हुई, क्योंकि जो मैंने पढ़ा वो मेरे काम में भी यूज हुआ. एंड प्लस व्हाइल आई वाज स्टडीइंग आई वाज वर्किंग. तो मुझे पढ़ाई में ये एज था कि मुझे टेक्निकल चीजों के बारे में साथ साथ पता लग रहा था. बिल्कुल सही बात है, जबरदस्त. तो वो एक बड़ा अच्छा और लर्निंग टाइम था. बहुत चीजें सीखी, बहुत मारे खाई, ठोकरे खाई, जो एक खानी पड़ती है हर बंदे को. हाँ. और अल्हम्दुलिल्लाह. उसामा के हुमायूं आलम लेबल में ऐसा क्या है कि सब इतने हिट हो गए आप लोग? देखिये, हमारे काम में एक तो ऑनेस्टी है.
हम लोग जो चीज बेचते हैं वो हम लोग बता के देते हैं। मैंने देखा कि आप लोगों की प्राइसेस भी कोई वो नहीं है ह्यूजली कोई स्काई हाई। हम लोग बेसिकली मास मार्केट को टारगेट करते हैं ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट हर बंदे की रेंज में हो। हम लोग एक सिर्फ नीच मार्केट को टारगेट ना करें, एक अपर क्लास को टारगेट ना करें। 30,000 का खाली कुर्ता और सलवार ही आ रही है, यू नो, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग पूरी मास मार्केट को टारगेट करें, हम एक वैल्यू ऑफ मनी चीज दें, प्रोडक्ट अच्छी दें, पैसे नॉमिनल रखें और ताकि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके। और एक और बात ये है कि जो आप लोगों ने अपने लेबल टैग्स दिए वो हर बंदा कॉपी कर रहा है। मैं और तो की कॉपी कर रहा है। मैं इवन बहुत जगहों पे ऐसी जगह पे गया, मैं मार्केट्स में गया बहुत दफा, तो वहां पे लोगों ने अजीब अजीब सी चीजें बना के उसको लोगो बनाने की कोशिश की हुई है। इवन लोग मुझे पिक्चर्स भी भेजते हैं फिर कि देखिये हमने आपका लेबल कॉपी किया है, हमने देखे कितनी अच्छी कॉपी बनाई है। तो वो ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो ट्रेडमार्क सेट कर ली है, जो अब हमारी चीज पहनते वैसे ही आप मेरे शूज से मोटिव देख रहे हैं, जिस तरह आप पहनते हैं। हाँ, ये मोटिव है मेरा। तो वो एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडमार्क सेट हो गया है। अब बड़ा वो दे ना, बड़ा एक फ्रेंडली टाइप का इसकी फील भी होती है, सुकून से आप। हम लोग कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम लोग कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम कपड़ों में हो या शूज में हो या किसी चीज में भी हो, हमारी मेन प्रायोरिटी कम्फर्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। देखा ना आपने कि अगर मेहनत की जाए और अगर उसमें लगन भी हो तो सब चीजें फिट हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। तो ईद पे भी क्या इन रहा है इस दफा, ये बात इस करना जरूरी है। इस ईद पे क्या ट्रेंड है वैसे इस बार लोगों के? देखिए इस ईद पे कपड़ों का इतना ट्रेंड होता नहीं है। इस ईद पे ज्यादा लोगों का फोकस जो है ना वो खाने पे और कुर्बानी पे होता है। इस दफा लाइट कलर्स, गर्मी बहुत थी, अनएक्सपेक्टेडली बारिश होगी फर्स्ट डे, लेकिन पहले टेम्परेचर जो था वो बहुत ह्यूमिड था, तो कंपैरेटिवली लाइट वेट कुर्ताज व्हाइट ट्राउजर्स के साथ या व्हाइट लिनन में, स्काई ब्लू लिनन में, सॉफ्ट फैब्रिक, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फैब्रिक्स टाइप की चीजें हमने यूज की थी, तो वो इस दफा हमने उस पे काम किया। जबरदस्त जबरदस्त, यानी कि लाइट कलर्स इन थे, लाइट कलर्स इन थे। लेकिन अक्सर सेलिब्रिटीज देखा हमने कि वो आपके कपड़े पहन रहे हो, बिल्कुल उनको लगता है कि हम वो बेस्ट लगते हैं। वो ये है, सही बात है। अच्छा मुझे आप बताओ निर्मल, के म्यूजिक हैव बीन योर सोल एंड लाइफ थ्रू आउट योर करियर, सो कभी आपको घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है इस पूरी बात में? हाउ आर दे सपोर्टिव विद यू? डेफिनेटली होंगे घर वाले तो बहुत खुश हैं, शायद मेरे से भी ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल शुरू से बहुत सपोर्टिव रहे हैं और उनको पता है कि मुझे कितना शौक है और मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है म्यूजिक की, और वो इक्वली सपोर्ट करते हैं मुझे, जिस तरह से मेरा पैशन है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स जो इतने सपोर्टिव हैं और जिन्होंने मुझे थ्रू आउट द जर्नी हमेशा इनकरेज किया और हमेशा मोटिवेट किया। यूजुअली मैंने देखा यूजुअली पेरेंट्स म्यूजिक फील्ड में सपोर्टिव नहीं होते, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अच्छे हालात। तो यहाँ पर तो मुझे मैं करना नहीं चाहती थी शुरू में, क्योंकि मैं बहुत शाय थी, तो मुझे खुद पुश करती थी मेरी मदर के नहीं जाओ आगे जाओ आगे। बट एज अ करियर उसको जब परस्यू करना था वो एक अलग वो है, उस पर थोड़ा सा सोचना पड़ा था और हमने एक डिस्कशन की थी उसके बाद उन्होंने कहा। आई थिंक देखिए सिंगिंग तो एक अच्छी फील्ड है, बिल्कुल, और उसमें तो देखा अच्छा है, क्या कहते हैं आप? देखिए इनकी अभी तक की माशाल्लाह सक्सेस का रीजन भी यही है कि इनके पेरेंट्स की मोटिवेशन इनके साथ थी। मैं अक्सर फोरम्स पे यही कहता हूँ कि आप बच्चे के पीछे लगे रहते हो कि जी आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो एक हमारे सोसाइटी की एक मिथ्स बनी होती है कि जी हम तो अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे। वो जो बच्चा बेसिकली बनना चाहते हैं कुछ और, उसका टारगेट या उसका शौक किसी और फील्ड में होता है, आप उसके पीछे लगे रहते हो कि जी आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, एंड आगे जाके वो बच्चा कहीं का नहीं रहता, क्योंकि उसका पैशन कुछ और होता है, उसको फोर्स और पढ़ाई किसी और चीज के बारे में करवा रहे होते हैं। अब आप देखें आपके अभी जो हमारे सुसाइड रेट्स हैं या हमारे अभी जो माँ बाप कहते हैं कि जी बच्चा नाफरमान हो गया है या बच्चे जो है वो इस तरह से बात करते हैं और एक्स वाई जेड चीजें, वो क्यों करते हैं कि आपने कभी उनको पढ़ने की, आपने उनसे कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की। आप कभी उनसे पूछे सही कि आपका पैशन क्या है, वेयर डू यू वांट टू गो, हाँ, और आपका शौक क्या है, क्या आप अपने शौक को अभी देखें ना, अगर इनका फॉर इंस्टेंस आई वांटेड टू बी अ डिजाइनर, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, हाँ। वो मुझे उठा के डाल देते किसी इंजीनियरिंग फर्म में, तो मैं ना यहाँ का रहता ना वहाँ का रहता, मैं बस लेकिन बस जिंदा होता, लाइफ गुजार रहा होता, लेकिन ऑब्वियसली वो लाइफ का चार्म नहीं रहता। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनका पैशन ही उनका प्रोफेशन बन जाए, बिल्कुल, है ना। आप कुछ कह रही थी? मैं ये कहने वाली थी कि अभी जो आप बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है,
मेरे साथ ये हुआ है कि मैं एक्चुअली इतनी श्योर नहीं थी कि मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या करियर चाहिए, तो मैं हमेशा ऐसे स्विच करती रहती थी, अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. लेकिन मेरी मदर थी जिन्होंने मतलब उस चीज़, मेरे टैलेंट को पहचाना. उन्होंने बोला कि मतलब अगर ये इस प्रोफेशन में जाएगी, म्यूज़िक इसका प्रोफेशन होगा, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर होगा और ये ज़्यादा खुश रहेगी. सही भी रहा और वो बिल्कुल सही रहा. ये बेसिकली उन्होंने मुझे ज़्यादा इनक्रेज किया था इस चीज़ के लिए. तो मेरा ख्याल है उनका डिसीजन था. ये बहुत रेयर होता है, मैंने ऐसा बहुत कम देखा है. But I'm really blessed कि मुझे इतने supportive parents. बिल्कुल ठीक है. मैं तो ऐसा करते हैं कि अब बच्चों की निर्मल भी बैठी हैं और म्यूजिकल वेव्स मुझे बहुत सारी आ रही हैं, तो let's start with the video of निर्मल जो कि बहुत मेरा फेवरेट है, आए मौसम रंगीले, है ना. ये कहाँ कहाँ शूट हुआ है? ये हम लोग हुंजा गए थे एक ट्रिप पे, लग रहा था मुझे के साथ. और ये हम लोगों ने बहुत सडन प्लान किया था, बिल्कुल ये ऑडियो बना हुआ था एक्चुअली, और वीडियो करने का कोई प्लान नहीं था. हमारे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं था, मतलब कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं था. आईफोन पे अभी हाल ही में मैंने देखा है बहुत सारे सॉन्ग्स सिर्फ सिंपल आईफोन की इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, उस पर रिकॉर्ड हो जाते हैं. बिल्कुल. मेरा एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, ही इज अ वेरी गुड फिल्म मेकर, ज़ैन इरफान उनका नाम है. उन्होंने मेरा एक और ओरिजिनल गाना भी शूट किया था जो दिल चला है, वो भी अभी हम ऑडियंस को सुनाएंगे. बट वो तो प्रॉपर प्रोडक्शन पे था, तो फॉर्चुनेटली वो भी ट्रिप पे साथ थे, तो उन्होंने ये गाना शूट किया आईफोन पे. तो आइए हम भी जरा देखते हैं कैसे ये गाना आईफोन पे शूट हुआ है, आए मौसम रंगीले निर्मल का. आ गए वापस, आप देख रहे हैं जैसी का खास वाला मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग कोहिनूर, कोहिनूर टीवी पे. वी हैव विद अस द अमेजिंग सोलफुल आवाज निर्मल रॉय, गाना देखा भी आपने, और उसामा आलम वोहरा, टू बी वेरी प्रिसाइज पूरा नाम इनका, क्योंकि अमेजिंग काम कर रहे हैं एज अ डिजाइनर. और जनाब बातें होती रहेंगी, लेकिन क्यों ना पहले हम कुछ गेम्स भी स्टार्ट करें. लेकिन गेम्स वाले एक सवाल बनता है आपसे, इतने गाने गाए हैं आपने निर्मल, दिल के पास कौन सा है? ये बहुत मुश्किल सवाल है. I know, लेकिन क्योंकि मैंने हर गाना ही बहुत दिल से गाया है. पर आई थिंक रॉन की आशिकी मेरा बहुत फेवरेट है ना, बहुत मजे का है. वो सोलो गाना है ना आपका? सोलो गाना, उसको हम अब आगे सुनेंगे, लेकिन इन द परफॉर्मेंस बिल्कुल. और मोहलत भी मैंने अभी जो गाया था, वो भी मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स में आते हैं. ये दोनों गाने आपके फेवरेट्स में, जबरदस्त है. बिल्कुल ठीक है जनाब, पहले कुछ गेम तो साथ करते हैं स्टार्ट. ट्रू एंड फॉल्स खेलेंगे, दो महारथी बैठे हैं, लाइक लोग हैं. अच्छा ये जरा आपने इसको एंजॉय करना गेम को प्लीज, ये तुक्काबाजी होगी. हम 10 सवाल करेंगे आप लोगों से, और बताना कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स बोल रहा हूँ, ठीक है. सो आप टीम ए हैं, आप टीम बी हैं. अच्छा चले शुरू करते हैं फिर. पहले दिवाली तक कभी नहीं खेली हमने आपके साथ, आज पहले नहीं खेली आती है. अच्छा, द लेपर्ड इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ, ट्रू है कि फॉल्स? सोच के बताएं, ये बस आपको एंजॉय कीजिएगा, तुक्काबाजी है, मुश्किल सवाल. लेपर्ड मतलब ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू. ट्रू ट्रू का सही जवाब था फॉल्स. चीता अब टॉप पे है, लेपर्ड से थोड़ा फर्क है. हाँ थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है. 2012 की ओलंपिक्स लंदन में हुई थी, फॉल्स? फॉल्स. ट्रू था ये, क्या हो गया आपको? कोई बात नहीं. अच्छा, द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस, ट्रू? फॉल्स. चलिए कोई डिफरेंट तो आया, किसी का तो किसी इसका का सही नहीं जवाब था ट्रू. ट्रू जी हाँ, ड्राई आइस था ये, केमिस्ट्री में ओ लेवल्स में केमिस्ट्री का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को. द बर्लिन वॉल वॉज बिल्ट इन 1961, विच वॉल? बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी. बर्लिन वॉल, ट्रू? 19 व्हाट? 61. आपने निकाले कहां से जो हमने आज तक सुने नहीं है? ये हम जान बुझ के तके लोग एंजॉय करें. ट्रू ट्रू है. इतनी कॉन्फिडेंस कहां से आया हमें कि आपने कहा कि गाय की बाकी चार स्टमक्स होती है? ट्रू है ना, अभी देखते हैं, मैं जवाब नहीं बता रहा मैं. अब ट्रू. जी हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये ट्रू था. आज आपका दिन लग रहा है. 3-1 चलते हैं आगे. सर आर्थर कॉनन डॉयल रोट मिडसमर नाइट्स ड्रीम,
मिडसमर नाइट ड्रीम एक नॉवल है जो सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा था. फॉल्स. 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 जी हाँ, ये फॉल्स था. शेक्सपियर ने लिखा था ये. अच्छा. 4-2. दो पॉइंट्स हमें आपको और चाहिए. मैडोना का असली पहला नाम मैडोना ही है. फॉल्स. ट्रू. जी हाँ, बिल्कुल ये ट्रू था. उसामा, लगता है आपका दिन आ जाना. तुक्के लग रहे हैं. तुक्के हैं ना कि तुक्का ही होता है इसमें. 5-2. असल में मैंने चीटिंग की, इसलिए हारी. पीछे से किसी ने वो मुझे आवाज आई थी. उन पे मत जाएं उनके ऊपर आप. वो आपको सिर्फ डॉज ही करेंगे. स्ट्रॉबेरीज में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है. फॉल्स. फॉल्स. ट्रू. ट्रू. जी ये भी ट्रू है. स्ट्रॉबेरी हैज मोर विटामिन सी देन. अच्छा, एंजल फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. फॉल्स. फॉल्स. ट्रू था ये. नियाग्रा फॉल्स नंबर 2 पे आ गई है. अच्छा, मुझे लगा वो नंबर 1 है. मुझे भी लगा नंबर 1 पे है वो. द कलर्स ऑन द साउथ कोरियन फ्लैग आर रेड, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक. फॉल्स. फॉल्स. ये फॉल्स था. ब्लैक नहीं है. 6-3. अब 3 ही सवाल रह गए हैं, और अगर एक भी हो गया सही आपका तो फिर आप तो विन वैसे कर ही जाएंगे, वरना ड्रॉ हो जाएगा. अच्छा जी, एबा won the Eurovision Song Contest in 1974 singing Waterloo. True. True. Yes, it's true. मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी. सही कह रही हैं आप. अभी स्कोर में तो लेकिन मैं जीतो गया, लेकिन दो सवाल और करेंगे. मजेदार सवाल कर रही हूँ गेम. मेरे पास मजेदार सवाल आ रहे हैं. मैं भी शायद मायरा खान से 3 साल छोटी हैं. True. True. Yeah, exactly. वो कह रही है मैं 33 साल की हूँ. मतलब 10 साल कम बताती है ना. ये मजाक कर रहा हूँ प्लीज. लेकिन ऑफिशियली 36 की मायरा है और 33 की महविश है. महविश है, बिल्कुल सही है. लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप. द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ब्राजील. ब्राजील के पास है ये. द ग्रेट बैरियर रीफ. False. पहला जवाब भी हमने सही दे दिया. जिनका गलत था जवाब था ऑस्ट्रेलिया में है ये. अच्छा. ब्राजील में नहीं. लेकिन हमारा गेम जीत गया. वेल डन बॉय. आला था. और मेरे ख्याल अभी बातें हो रही थी रौनक की आशिकी की. वी ऑल लव दिस सॉन्ग है ना. सो अब मैं बात मैं भी याद की बातें भी हो रही थी. सो गाना हो जाए फिर. रौनक की आशिकी से स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस. जी हाँ, वी हैव विद अस द अमेजिंग सोलफुल आवाज निर्मल रॉय ऑन जैजीज शो. तो आइए रौनक की आशिकी हो जाए. एंड वी आर बैक. क्या परफॉर्मेंस थी, मजा आ गया. द लवली सॉन्ग. जब भी सुनते हैं इस गाने को हमेशा एंजॉय करते हैं, है ना. बिल्कुल. सही बात है. अच्छा, मुझे आप बताओ सामा कि हालांकि 2021 चल रहा है, लेकिन अभी भी काफी लोगों में अवेयरनेस नहीं आ रही है ड्रेस सेंस को लेकर. अभी भी कल मैं फंक्शन में था, लड़के ने बहुत अच्छा लड़का था वो, उसने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, लेकिन शलवार कमीज थी, नीचे जॉगर्स थे. क्या तुक था. तो मैंने एक दोस्त से कहा कि वाओ हैंडसम डूड आ. क्या लेकिन फायदा क्या जब शूज ही जॉगर्स पहन. तो क्या ये ट्रेंड है. Exactly. Yesterday there was someone showing me a picture, किसी सेलिब्रिटी की थी. उन्होंने बोला देखें जी, सबने अपनी पिक्चर लगाई है और इस सेलिब्रिटी ने देखें जो पिक्चर लगाई है इसमें इसके बच्चों ने क्या पहना हुआ है. हाँ ये भी है. तो पॉइंट ये है कि आपकी वाली बात है कि अभी तक ड्रेसिंग सेंस नहीं आई लोगों में. क्यों नहीं आ रही. 2021 आ गया. प्रॉब्लम हमारे दिमाग के अंदर है. प्रॉब्लम दिमाग के अंदर ये है कि देखा देखी लोगों के. हाँ. वो देखते हैं कि रणबीर कपूर ने कुर्ता ट्राउजर पहने, नीचे जॉगर्स पहने हुए, वो उसने पहने हुए कि उसने अगर डांस परफॉर्मेंस करनी है या उसने अगर किसी एक्स वाई जी मकसद के लिए पहने हुए. एग्जैक्टली. यू कांट बी रणबीर कपूर, है ना. ठीक है. अब फहद मुस्तफा ने अपने शो के अंदर उसने कुर्ता ट्राउजर और जॉगर्स पहने हुए, वो नो डाउट थोड़ा सा ऑफ लगता है, वो इतना खास नहीं लगता, लेकिन वो कैरी कर लेते हैं उस चीज को. बिल्कुल. आप कैरी नहीं कर सकते इस चीज को. आप, मैं ये हमेशा ही बात कहता हूँ कि आप लुई विटॉन पहन लो और आप उसको कैरी ना कर सको तो फायदा नहीं है इतने महंगे कपड़ों का. और आप सस्ते कपड़े पहन लो, लोकल पहन लो और अच्छे तरीके से कैरी कर लो तो वो आप कोई आपको वही बात. 10,000 रुपया है ना, लोग ट्राई करते हैं कि हम 10,000 में 3 कुर्ते ले लें. एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको. ऐसे लोग भी हैं. एक बंदा कहता है कि मैं 10,000 में एक ही ले लूं,
लेकिन क्वालिटी ले लूं, क्वालिटी ले लूं, फिर वो बंदा रॉक ऑन करता है। अब जो तीन वाला है वो बेचारा फिर अच्छा, और अगर तीन भी ले लेना कोई तो फिर ऐसा तीन लोग कि जो कि हाँ ब्लैक ब्लू व्हाइट ऐसे तीन ले लो कि वो आप पहनो भी तो आप स्पॉट ऑन भी ना हो। एग्जैक्टली, अब देखिए ना, मैं फिर बार बार एक बात कहता हूँ, अब टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है, देखिए टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है, वो अच्छे तरीके से यूज करें तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों का टैलेंट बाहर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड हम लोग उसको बहुत गलत तरीके से तरफ ले चुके हैं। टिकटॉक पे क्या कुछ हो रहा है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आजकल बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई पीटीए ने टिकटॉक को बैन किया है, आजकल चल रही है लेकिन जरा मिक्स चल रही है, प्रॉक्सी के साथ चला सकते हैं उसको, तो बात ये है कि आप उसको अगर अच्छे तरीके से अच्छे एस्पेक्ट से यूज चीज को यूज करेंगे तो वो चीज बहुत अच्छी है, आप उस चीज का नेगेटिव यूज करेंगे तो वो तबाही की तरफ लेके जाएगी आपको, और जो हो रहा है बिल्कुल। तो इसी तरीके से कपड़ों में भी ऐसे ही है, कपड़े अगर आप थोड़ी सी सेंस बेहतर कर लेंगे, अपने दिमाग से ये निकाल लेंगे कि जी मुझे फहद मुस्तफा जैसा बनना है या मुझे रणबीर कपूर जैसा बनना है, तो आप बेहतर लगेंगे। बिल्कुल सही, मतलब आप वो पहने जो आपको सूट करता है, जिसमें आप कंफर्टेबल, आई थिंक यू आर द राइट पर्सन, कॉपी ना करें अबाउट हम स्टाइल अवार्ड ड्रेस सेंसेस। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, वो जो हुआ वो शोर मचा। अब देखिए मैं आप पे भी आ रहा था, देखिए आप तो बहुत एलिगेंटली ड्रेसिंग करती हैं, लेकिन आपको पता ही है मैं क्या नाम लूं। मेरी कोशिश तो रहती है लेकिन उस पे भी लोग कहीं ना कहीं कुछ बोल देते हैं, वो लोगों का एक खासा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों ने एक लोगों का काम है कहना। लेकिन हमारी बहुत सारी फीमेल सिंगर्स हैं जो कि डांस भी करना चाहती हैं, एक्टिंग भी करना चाहती हैं, मॉडलिंग भी करना चाह रही हैं, वो अभी इतनी उनपे हुई कि जो उन्होंने डांस किया, तो अब मैं आई डोंट नो ये क्यों ऐसा होता है कि एक कश्ती के सवार क्यों नहीं बनते लोग। एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था कि अगर आप एक चीज करते हैं उसमें यू आर द बेस्ट तो बी देयर एंड डू दिस। एग्जैक्टली, आप हर जगह पे पांव क्यों मार रहे हैं अपने, आप एक जगह पे रहते हुए उसको ही फोकस करें और उसी में अपना आप नाम बनाए। कभी आप कैमिला कैबिलो बनना चाह रही हैं, कभी आप नसीबलाल के मैं पहुंच तो गई आप, लेकिन माई फेवरेट मैं ये नहीं कहूंगा, सब अच्छे हैं लेकिन कुछ ना, वो मैं चाहता हूँ कि ना करें ताकि वो जिस तरह है वो उस तरह ही रहे। असल में ये ट्रेंड बन चुका है कि अब हमें हर चीज करनी है, एक्टर्स को गाने भी गाने हैं, सिंगर्स को एक्टिंग भी करनी है, मॉडलिंग भी, सब कुछ करना है हमें, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं बस वो सही नहीं करना। आप देखिए भी जो हाल में एक स्पॉन्सर चला था सॉन्ग्स का, जिसमें सिंगर एक्टर्स ने गाने गाए थे, किसी को गाना को याद है इस वक्त? नहीं किसी, मेरा क्योंकि वो गाने इतने शॉर्ट लिफ्ट थे, सिवाय हीरा मानी का गाना एक थोड़ा चला था, सिर्फ एक गाना, और वो टिकटॉक पे बहुत वायरल किया, उन्होंने जस्टिस किया गाने के साथ, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे, एक गाना था जो मुझे अच्छा लगा था, बाकी वो अच्छा था, बाकी सब तो डिजास्टर्स थे, किसी को याद भी नहीं होगा, मैंने सुने भी नहीं है, वो ही ना सुना ही किसी ने नहीं, क्योंकि वो डिजास्टर सॉन्ग से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा आप क्या कहती हैं, आप किस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, आपके फेवरेट कलर्स कौन कौन से हैं? मेरा एक्चुअली मूड पे डिपेंड करता है, कभी मेरा दिल करता है बहुत वाइब्रेंट कलर्स पहनने के लिए, कभी बहुत लाइट और फेस्टिवल कलर्स। आप कॉन्सर्ट्स पे अगर तो कॉलेज या इस तरह यूनिवर्सिटी वाला शो है तो उस पे थोड़े से मुझे मैं अच्छा लगता है कि थोड़ा सा फंकी, बट अगर कोई कॉर्पोरेट शो है तो उस पे आई वुड लाइक टू ड्रेस अप लाइक मोर एलिगेंटली, तो डिपेंड करता है किस तरह का शो। आपकी फेवरेट आवाजें कौन सी हैं, अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिहाज से? पाकिस्तान में अगर पुरानी सिंगर्स में आप बात करें तो मैडम नूरजहां है, और रूना लैला जी, फिर फरीहा परवेज। Oh yes. और मेल सिंगर्स में मुझे सर सजाद अली बहुत पसंद है, और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में अगर बात करें तो मुझे अभी रीसेंट प्रोड्यूसर्स में से शिराज भाई तो है ही मेरे फेवरेट, वो तो क्लासिक्स में आते हैं, फिर शुजा हैदर वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे नाम है, वो भी अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा भाई अभी आपने इतने नाम लिए, तीन चार बड़े अच्छे नाम लिए, मैडम से स्टार्ट किया, तो जो ऐसे करते हैं कि अब चूंकि माइक आपके ताबे है और आपके इतने नाम लिए अभी रिसेंटली, सो जनाब एक मेरा फेवरेट गाना है रावी, अगर वो आपकी आवाज में हो जाए तो, वो मेरा भी बहुत फेवरेट है ना, उसको स्टाइल अवार्ड्स का बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर भी अवार्ड दिया गया, सुना गाना रावी आपने? आला गाना है ना, चले फिर हो जाए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वाकई निर्मल की आवाज में कुछ है जो कमाल है। और फिलहाल एक और गाना सुन लेते हैं आपसे, अब क्या सुना रही है हमें आप परफॉर्मेंस पे? मेरे ख्याल में मोहलत हो जाए, काफी देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मोहलत, में कभी मेरी ख्वाहिश थी कि कभी मोहलत इनसे लाइव भी सुनूं, तो आइए मोहलत सुनते हैं। और आप सबका फेवरेट ड्रामा मोहलत है, अभी हाल में खत्म हुआ है ईद से पहले, और क्या डिजास्टर्स, देखिए वैसे ये मैं बड़ा सोचता हूँ कि जो हीरोइंस है उनको इन्होंने वैम्प बना दिया है, और पूरे सीरियल में वो दंदनाती रही, तमाम जुल्म करती रही, और आखिरी सील में या तो उनको पागल कर देते हैं हीरोइन को,
उनको पागलखाने पहुंचा दो या उनकी मौत कर दो एक्सीडेंट के थ्रू. ये दो हैं हमारे राइटर्स के सोल्यूशन आजकल ड्रामों में. किसी के बिजार एंड करना हो तो या तो मार दो या पागलखाने ले जाओ उसको. यहाँ भी यही हुआ कि पागलखाने चली गई वो. खैर एनीवेज आ जाइए. क्या बात है जनाब. फैंटास्टिक गाना और ये मेरा फेवरेट गानों में आता है. एंड व्हाट एन ओएसटी यू हैव संग. थैंक यू सो मच. कमाल था. हर लाइन को आपने सही इंसाफ किया बल्कि ड्रामे से ज्यादा तो इसका ओएसटी हिट हुआ है. सही बात है. जबरदस्त था. कुछ मुहावरे हैं हमारे पास. पता ही आपको मुहावरों का. पहले खेले मैंने नए मुहावरे हैं. अच्छा नए मुहावरे. जी जी मुहावरे हर चीज बहुत मुश्किल निकाल के लाते हैं. टीम ए है आप टीम बी है. अब आपने एक्टिंग करनी है मुहावरों की बैठे बैठे. ठीक है. और अगले ने गेस करना है. सो पहले हम आप पर चलेंगे. आज आप लोग अकेले हैं इसलिए गेस करवाना है आपको. इनको गेस मतलब अब ये देखने मुहावरे को दिखाया ना मैंने. ये एक्टिंग करेंगे बगैर बोले. आपने गेस करना है क्या मुहावरा है. बोलना कुछ भी नहीं है. मुहावरे में एक जानवर आता है. क्लू हिंट दूंगा मैं. एक जानवर है. ठीक है. और जानवर जरा ईद से रिलेटेड. ईद से रिलेटेड है. एग्जैक्टली. अभी जो ईद गुजरी है. और भैंस के आगे बीन बजाना. ओह माय गॉड. यहां अब एक्सपर्टीज लग रही है मुझे. आला. ऐसे लोग हिंट दे दूं. हां हिंट दे. हिंट ये एक जानवर है. इसमें भी ये भी जानवर है. ये आप कर लेंगे वैसे आसान लग रहा है. बहुत इजी है. मछली. हां आप ऐसे करना कि पहला वर्ड क्या है इसको बता दें. पहला वर्ड एक मछली. हां अब तो आ जाना चाहिए. लगता है यहाँ आपका पन्ना थोड़ा वीक हो सकता है. एक मछली. बहुत इजी है वैसे. बहुत इजी है. ऐसे लोग हर जगह पर होते हैं जो सारी महफिलों को खराब करते हैं. एक मछली है स्टार्टिंग इसका. हाँ अब ये तो बहुत इजी क्लू हो गया है. ये तो बिल्कुल ऑब्वियस हो गया. एक मछली. पॉइंट लूज करने जा रहे हैं. तारीखी लम्हा. ये वाला राउंड मैं जीतूंगी लग रहा है मुझे भी. नहीं मुझे आपकी नहीं आया. आपको एक बता दें. आप एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है. मशहूर था जी. क्या हो गया आपको. खैर कोई बात नहीं. अच्छा एक ठीक है. फल के बारे में. फ्रूट है. और हेल्दी फ्रूट. हेल्दी फ्रूट है. रेड कलर का है. और वो एक के बाद वो फ्रूट है. और फिर 100. एक अनार. ये राउंड आपने ही जीतना है. नींद में सोना. नींद में चलना. इतना आप क्यों सोफिस्टिकेटेडली उसको हैंडल मत करें. भूत चुड़ैल. कौन लोग होते हैं. कौन सा भूत है. ये क्या है. कौन लोग होते हैं. आंखें बंद करके ये क्या. कौन लोग होते हैं. अंधे. हाँ जी. हाँ. अंधा. सींग. लास्ट वर्ड है. अब आया पहाड़ दाम के. फर्स्ट वर्ड है. फर्स्ट वर्ड है अंधा. और लास्ट वर्ड है सींग. ताज. नहीं नहीं देखिए मतलब सिंपल है. मुश्किल नहीं है. क्या मुझे मुहावरे बिल्कुल भी नहीं आते. आप एक बार ट्राई करें ना दोबारा से. दोबारा करें आप. अच्छा फर्स्ट वर्ड आपने गेस कर लिया. अंधा. अब वो मैं ये वाकई अच्छी एक्टिंग कर रही है वैसे. अब तो बता दो. जान अंधा हो गया ना. एक आंख. हाँ एक आंख वाले को क्या बोलते हैं. वन आईडेड बॉय. उर्दू में एक आंख. काला. काला. आपने क्यूट कहा वैसे. आपने दो वर्ड्स भी गेस कर लिए हैं. अब तो बताना चाहिए. अब तो बहुत ऑब्वियस है. आसान हो गया. और एंड वाला. हाँ ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है वैसे ये. अब तो बता. एक्टिंग अच्छी है. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता यार. अंधों में काना राजा. अंधों में काना राजा. ओह वाओ वेरी गुड एक्टिंग. एक्टिंग बहुत अच्छी की है वैसे. है ना. अगला मुहावरा करता हूँ मैं. ये भी जानवर के बारे में. ये भी जानवर के बारे में.
और जानवर वही जो पहले था, वही सेम जानवर, सब जानवर, आज सब जानवर, क्या करूं जो ईद खुरीद कुर्बान जानवर वही है जो पहले था। ओके ठीक है। और भैंस घंटी पिच पहले भैंस हां एंड पे ठीक है। और घंटी नहीं किसे मारते हैं, मारते एक चीज लंबी मारते हैं सोटी को और क्या कहते हैं एक बड़ी सी इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टिक। यस नहीं स्टिक नहीं 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 सॉरी 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 स्टिक को और उर्दू में क्या कहते हैं स्टिक को उर्दू में सोटी कहते हैं नहीं स्टिक होती है लेकिन उसको अच्छा पंजाबी में क्या कहते हैं कोई और वर्ड बताए। देखिए मारते हैं क्या कहते हैं सोटी की, आपको सोटी को भूल जाओ आप, एक बड़ी सी, वो एक बड़ी सी ब्लैक सी जो कि इस तरह मारते हैं, क्या कहते हैं उसको उर्दू में पता नहीं वैसे कभी एल से शुरू होता है एल से नहीं लाम से इंग्लिश में एल से होता है ना लाम वो नहीं कहते प्लीज लाठी अब तो आना चाहिए लाठी एंड पे वही जानवर है भैंस। मुझे दो मुहावरे मिक्स हो रहे हैं सांप टूट के वो नहीं वो नहीं है सांप लाठी और लाठी भैंस लाठी हाँ है ना कोई और वर्ड है इसमें जिसकी जिसकी भैंस उसकी लाठी जिसकी लाठी उसकी लाठी उसकी भैंस जिसकी लाठी इतने मुहावरे बाकी हो गए नहीं कोई बात नहीं अब एक मुहावरा लगे पते जा ये भी जानवरों के ही बारे में ये भी जानवर के बारे में ओके ये आपका ही दिया हुआ हिंट अच्छा सौ छोटा जानवर छोटा सा जानवर ऐसे क्रॉल करता है क्रॉलिंग जानवर है तेज होता है बहुत रहरों में हाँ उर्दू में चूहा सौ चूहे हो गया हाँ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली करी है शुक्र है। और अब आएगा आखिरी मुहावरा आप लोगों का हम इसको एंड कर देंगे तो आसान थोड़ा कर देते हैं आप लोगों के लिए ये तालियां ताली हाँ एक ए ठीक है हाथ हाँ से एक हाथ से ताली नहीं बजती हाँ नाइस हाँ बिल्कुल सही वाओ मैं जीत गई नहीं अब ये आपने करना है अच्छा दूसरा है ना अच्छा मैं उसमें भी वही पढ़ रही हूँ ऑलमोस्ट सेम वही लगता है लेकिन डर डिफरेंट है पांच पांच हाँ आगे उंगलियां पांच उंगलियां हाँ कट गई पांच उंगलियां आउट आपको पांच उंगलियां आप तो गुर्दू नहीं होती ना वो लेवल से लेवल में होती है लेकिन वो इस तरह की गुर्दू नहीं होती ये मैं क्या कर रहा हूं रौनके आशिकी क्या टेबल है क्या है अच्छा हिंट तो दे कोई इसका हिंट क्या दे हिंट एक बहुत आसान मुहावरा था ये आज तक रिकॉर्ड है कि बस लोगों ने ऐसे गेस किया हां पांच मैं करूं पांच उंगलियां घी में नहीं होती जी नहीं वो घी में होती हैं अच्छा होती हैं पांच उंगली जैसी नहीं होती हाँ एक बराबर नहीं होती वेल डन लेकिन ये मुहावरों की गेम आप जीत गई हैं क्योंकि एक तो एज मिला था उनको सो वेल डन ऑन दैट आपने अच्छी गेम खेली है जबरदस्त मेरा गिफ्ट हैम्पर कहाँ गिफ्ट हैम्पर ये है कि मैं अब चाय पिलवा दूँ अच्छी सी आपको एक और आप चाय में चाय नहीं आए हैं जूस पिलवाऊं आपको अच्छा सा जूस पिलवाते हैं डन हो गया बिल्कुल सही है जनाब सो ऐसा करते हैं अब हम एक म्यूजिकल डोज देते हैं अभी ईद पे काफी सॉन्ग रिलीज हुए हैं तो एक नया गाना जो अभी कल ही रिलीज हुआ है परसों बल्कि फरहान सईद और आयमा बेग का व्हाट अ कॉम्बिनेशन एक्चुअली और गाना बड़ा मजे का बना है ना छेड़ मलंगा नू और ये गाना 1-2 रेकर्ड यानी कि बिलाल सईद ने रिलीज किया है गाना मजे का है और 1 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं तो आइए देखते हैं सुनते हैं गाना गाना इज लवली आइए देखते हैं सुनते भी हैं बल्कि ओके
ओके नाज़रीन, वेलकम बैक, आ गए हम वापस और गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है और बहुत सारी बातें हो रही हैं। वैसे इस ईद पे मैंने देखा है कि एक फैशन बन गया है कि अपने बकरों के साथ टिकटॉक बनाना, नोट किया आप लोगों ने, ये ट्रेंड बहुत कॉमन रहा और बहुत सारे ट्रेंड्स रहे और हमारे सेलिब्रिटीज के ट्रेंड्स देखे होंगे आपने। शोबाजी जो है वो हमारे अंदर अब बहुत ज़्यादा हो गई है, अपनी वो दिखाना और खानों की बेतहाशा फोटोज दिखाना, वो तो खैर मैं भी करता हूँ लेकिन हम करते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत लगती है, लाइक फूडीज फोरम्स पे जहाँ पर खानों की बातें हो रही होती हैं, तो क्या मैंने लगाता फोटो पता तो है आपको, लेकिन ये ट्रेंड बहुत रहा। और हाल ही में एक अच्छी खबर ये आई कि इकरा अजीज एंड यासिर हुसैन आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय और उनका नाम रखा गया है कबीर हुसैन, नाइस नेम। सो ये एक दिनों में अच्छी खबर आई है। और जनाब आयमा बेग की भी ऑफिशियल मंगनी हो गई है विद शहबाज शेगिल, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं और इंशाल्लाह जल्दी इनकी अब शादी भी हो जाएगी। बहुत देर से ये लोग डेटिंग कर रहे थे लेकिन फाइनली थिंग्स हैपेंड एंड दे आर इन फुल रिलेशनशिप नाउ। तो अच्छी बात है, आई एम हैप्पी कि एक अच्छा कपल सामने आ रहा है। लॉन्ग लिव देयर हैप्पीनेस एंड देयर रिलेशनशिप्स। एनीवेज, कौन सा सेलिब्रिटी ऐसा है जो कि बेस्ट ड्रेस्ड है आपके ख्याल में? कोई दो तीन नाम बताएं। मुनीब भट्ट मेल कहा, मुनीब भट्ट बिल्कुल ठीक, मुनीब भट्ट, फिर उसके बाद साइम अली। अच्छा, उनका नाम भी ले लिया आपने। बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस, बहुत अच्छी है उसकी। कहाँ है वैसे आजकल वो? आजकल ये एडिटोरियल्स वगैरह कर रहा है, शूट हाँ नजर नहीं आ रहे हैं, कम हो गया है। और तीसरा, पहले तो होता था ना कि वो जा रहे थे ना किसी बिजनेस क्लास में बैठ के भी, उसका भी आती थी फोटो, अब वो नहीं आ रही। चल, जो कि ट्रैवल बंद हुआ है ना, ट्रैवल बंद हुआ है। और तीसरा नाम की वजह से, तीसरा नाम मेकेट, मेकेट बट हो गया, फैमिली हो गया, इतने नाम है। फरहान सईद, कभी बिलाल अब्बास को पहनाए अपने कपड़े? बिलाल अब्बास को हमने BCW पे पहनाए थे, बनाए थे शो स्टॉपर। हां 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 हां, एज अ शो स्टॉपर ही डिड रियली वेल। साथ कौन था? यही था बिलाल अब्बास था, और हां बिलाल अब्बास था, बिलाल अब्बास ही मेन था, मुझे याद आ गया, बिल्कुल ठीक 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 ठीक। और कौन से ऐसे सेलेब्रिटी जिसको आप चाहते हैं कि उनको चेंज कर दें ड्रेस पहना के? अच्छा, चेंज कर दें ड्रेस, इनकी बिल्कुल उनकी अच्छी नहीं है ड्रेस सेंस। ऐसे भी कई नाम होंगे वैसे तो, है ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मेरा ख्याल है सबसे पहले आमिर लियाकत। ओ यस, बिल्कुल, बहुत जरूरी है, सही बात। आमिर लियाकत के बाद और कौन हो सकता है ऐसा? तो मुझे कुछ लेडीज के नाम भी याद नहीं आ रहे, नाम इसलिए वो हिट नहीं है ना, अब याद नहीं। हाँ, वैसे आमिर लियाकत है, वो बहुत एक मानी हुई एक पर्सनैलिटी, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन वो कपड़ों के मामले में आके जो है वो पता नहीं क्या हरकतें कर लेते हैं। सही बात है। इवन आई वुड लाइक कि फहद मुस्तफा के भी थोड़े से ड्रेसिंग सेंस चेंज करवा दिया। अब कुछ क्या हो गया फहद मुस्तफा? वो अब एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्ट लेंथ पहनना शुरू हो गए हैं, वो कुछ ज्यादा ही, मतलब शॉर्ट लेंथ अच्छी लगती है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्ट लेंथ भी नहीं, वो भी ना इतनी ऊपर कि वो लगता है कि जैसे वैसे भी सब कुछ ऊपर। हां, एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा उनकी ड्रेसिंग को थोड़ा सा बेहतर करने वाला हुआ है। और शुक्र है थोड़ा सा हेल्दी भी हो गए हैं वो। हाँ, मुझे पता था ना बहुत पतला दादी थी फहद से, शुक्र है वो नहीं बात। वो कहते हैं ना, ओ गॉड, इफ यू कांट मेक मी थिन, Make my friends fat. Make my friends fat. ये तो मेरी दिली दुआ। फिर अच्छा, और यहाँ पे जो आपने सवाल किया वो तो मैं आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अहमद अली बट ने इतना वेट रिड्यूस किया है, एंड ही कर लिया है, लेकिन वो बहुत स्मार्ट, वो मोटा अच्छा लगता था मुझे। अच्छा, कुछ चीजें हैं ऐसी, कुछ चीजें हैं ऐसी जो कुछ लोगों को पर्सनालिटी वाइज हेल्दी अच्छी लगती है, लेकिन अहमद अली बट ने वैसे वेट रिड्यूस बहुत किया, बहुत ज्यादा कर लिया। आई थिंक उन्होंने वो करवाई है। नहीं, कुछ नहीं करवाया। आर यू श्योर? आई एम श्योर। ये इतना वजन कम नहीं हो सकता विदाउट सर्जरी? नहीं, मेरा ख्याल सर्जरी नहीं कराई, उसने खुद ही कम किया। स्लीव गैस्ट्रेक्टमीज बहुत इन है मेरी जान। नहीं, अब नजर भी नहीं आती हैं। तभी ये इतना ड्रास्टिक चेंज आया उसके अंदर, ड्रास्टिकली चेंज हुआ। हां, ड्रास्टिक चेंज आया उसके अंदर। सही बात है, बिल्कुल सही है, फिट है, ठीक है। कोई ऐसा गाना था जो किसी और ने गाया और व्हेन यू हर्ड यू जस्ट थॉट काश ये मैंने गाया होता? इसलिए नहीं कि उन्होंने जस्टिस नहीं किया, बस इसलिए क्योंकि वो गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक कोक स्टूडियो का गाना है बांवरे, आयमा ने और शुजा भाई ने गाया हुआ है। यस यस, वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है। आयमा ने बहुत प्यारा गाया है, वो आयमा का गाया हुआ आई थिंक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है बाय आयमा। पर मेरा जब मैं सुनती हूँ मेरा दिल करता है काश ये गाना मैंने गाया होता, तो बस वो एक गाना था। हाँ, आपको बहुत अच्छा लगा। सही सही सही। अच्छा, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करती हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स किए, कैसी यादें हैं इन कॉन्सर्ट से और बेस्टेस्ट कॉन्सर्ट कोई बताओ?
बेस्ट कॉन्सर्ट इसकी बेस्ट याद है आपको आज तक? मेरे लिए मेरा ख्याल है हर कॉन्सर्ट ही बहुत स्पेशल होता है। खास चीज हुई हो, हैपनिंग सा कुछ हुआ? लाहौर में एक मेरा कॉन्सर्ट हुआ था, मेरा ख्याल है 2019 में, कोविड से पहले। ओके। और वो ऑल गर्ल्स कॉन्सर्ट था और वहाँ पे मतलब काफी ज्यादा लड़कियां थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जब मैं स्टेज पे जाऊंगी तो इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। एक मेरी वीडियो भी मैंने डाली थी यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, जो भेजी थी दुआ। वो जब मैंने गाया तो ऑडियंस की तरफ से ऐसा रिस्पांस आया कि लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो गाना भी तो आंसुओं वाला है। बिल्कुल, मैंने जब ऑडियंस सबके आगे क्राउड के आगे माइक किया तो उनकी आवाज मुझसे भी ज्यादा लाउड थी, जबकि मैं पूरे इतने ज्यादा यहाँ भी सुन सकता, लेकिन हम साया मुल्क ने ऐसी बोंगड़ियां मारी हैं कि अब हम तो सुनने से भी प्ले करने से भी गए। चले कोई नहीं, आपको मैं अपने गाने सुनाऊंगी। वो तो सुन ही रहे हैं, शानदार गाने हैं वो। ऐसे ये करते हैं, एक और गाने की इनविटेशन देते हैं आपको। अब क्या सुना रही हैं हमें आप? ऐसे करते हैं अब चुपके चुपके सुन लेते हैं। ओके, तो आइए जनाब, वो ड्रामा जो आप पूरा रमजान देखते रहे शाम को इफ्तारी के बाद, याद है आपको 9 बजे लगता था रात को, अमेजिंग प्ले, और क्या यादें छोड़ गया है। सुना इसका पार्ट 2 भी बनने का तैयार है, सुनने में आ रहा है सीजन 2, लेकिन वो अगले रमजान ही आएगा मेरा ख्याल है। क्या उसने जल्दी आना है। फिलहाल चुपके चुपके फ्रॉम निर्मल रॉय। चुपके चुपके वॉज ऑसम, बहुत मजा आया भाई, क्या बात है। लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट दिस और दैट। हम दो दो ऑप्शन पूछेंगे आपसे, आपने एक ऑप्शन चूज करनी है, बारी बारी करते जाएंगे। सो आपसे स्टार्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। फोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट। ओके, यस। टोस्ट और एग्स? एग्स। एग्स, ओके। कार्डियो और वेट्स? कार्डियो। आतिफ असलम या अली जफर? आतिफ। आला। हुमैरा चन्ना या हुमैरा अरशद? हुमैरा चन्ना। हुमैरा चन्ना, ओके। फेसबुक और ट्विटर? फेसबुक। iOS या एंड्रॉयड? iOS। Oh yes, जरूरी है। New clothes or new phone? New clothes। ठीक। Big party या small gathering? Small gathering। Okay, nice है। अच्छा जी, nice car या nice home interior? Nice home interior। Really? आला। Sneakers or sandals? Sneakers। सही है। Glasses or contacts? Glasses। ठीक है। Online shopping पसंद है आपको या shopping in a store? Shopping in a store। Nice. Passenger or driver? Driver. Okay, nice. I'm sure. आगे चलते हैं। Tablet या computer? Tablet. Tablet, हाँ सही बात है। Most important in a partner, intelligent या funny? Intelligent. सही। अच्छा जी, at a movie, candy या popcorns? Popcorns. Nice. Blinds or curtain? Blinds. Okay. आइस कॉफी या हॉट कॉफी? आइस। रियली? आला। और आजकल काफी अच्छे आए हुए हैं ना, वो मिल रहे हैं छोटे छोटे जो हैंडी वाले। इंटरनेशनल वेकेशंस और न्यू टीवी? इंटरनेशनल वेकेशंस। सही है। सेव और स्पेंड? डिपेंड्स। डिपेंड्स, नाइस, सही है। ब्लैक और ब्राउन? ब्लैक। आई थिंक ब्लैक रॉक्स है ना। ब्लैक, सही बात है। ब्लू और रेड? ब्लू। कॉफी और टी? टी फॉर श्योर। टी और स्पेशली I love green tea also. Yes, सही बात है। अच्छा, movie at home या movie theater पे? Theater। जबरदस्त, ठीक हो गया। कुछ last रह गए हैं, soup और sandwich? Soup और sandwich। Sandwich, okay। Classic art या modern art? Modern art। ठीक है। Sweater और hoodie? Sweater। Okay। Oceans या mountains? Oceans। Oh my god, long time हो गया मुझे कहीं गए हुए। मैं सोचता हूँ आधे लोगों की फोटोज आ रही होती हैं, कोई कहाँ गया हुआ है, कोई कहाँ गया हुआ है, हम पता नहीं क्यों नहीं जा। हाल क्या हुआ? आप कहाँ गए हैं? मैं कहीं भी नहीं गया, इसी वजह से कि वहाँ पे जो हालात हैं। हाँ, हालात 4000 गाड़ियों की कैपेसिटी है। हाँ, ये तो है वैसे। एंड दे आर 38000 कार्स। रियली? और 5-6 घंटे से ट्रैफिक जैम पैक। आई थिंक नथे गली इज द राइट प्लेस टू लीव। लेकिन नथे गली जाने के लिए भी आपको रूट तो वही लेना। लेकिन देखिए, वो तो अंदर ही होगा ना, फंसी पड़ी होंगी, हम तो बाहर चले जाएंगे घूमते घामते। वो रास्ते तो जाते ना, बुरबन जा रहे हैं। हम लोग का प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम है। सही कह रहे हैं। अब ये मैंने चीजें नोट की हैं कि आप कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर ये टूरिस्ट टाइम है, यहाँ पे आपको अपने प्राइसेस कम करने चाहिए और टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए। आपने प्राइसेस ट्रिपल करनी अपनी। हाँ, ये तो है वैसे। ठीक है, आप की मैनेजमेंट वहाँ पे कोई भी नहीं है, नो डाउट
इस गवर्नमेंट ने टूरिज्म पे बहुत काम किए है, और बताए 14,000 इंटरनेशनल वीजाज अप्लाई हुए हैं फॉर पाकिस्तान ट्रेवल एंड टूरिज्म के लिए। तो उन्होंने ट्रेवल टूरिज्म पे काम बहुत किया, लेकिन जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको जरा थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि अगर टूरिज्म इतना आ रहा है तो आप थोड़े से रेट्स अपने नॉमिनल करें। इसी आप हुंजा में ऐसे ऐसे होटल्स हैं नहीं, मेरे एक दोस्त हो गया है, वो कहता है हमने एक एक रात के भी लाख दिए हैं। क्या कह रहे हो तुम, एक रात बहुत महंगा हुआ पड़ा है। मुझे वो था भी तो शानदार कोई होटल, मुझे 35 के तो याद है हुंजा का। देखिए ना 35 के जो आपको याद है इस साल 50 नहीं, अभी अभी की बात मैं कह रहा हूं। देखिए 50 वही ना, इतने रेट ये भी हाई है, ये भी हाई रेट बहुत हाई है, उसकी वर्थ 20-25 से ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अब वो रेट्स उसके ये हुए हैं। मैं तो इस्लामाबाद आके हुआ था बस आराम से, अभी गया था इस्लामाबाद। हां जी अच्छा, 3-4 दिन गुजार के आया था, काफी अच्छी यादें हैं। दोबारा होगा लेकिन दोबारा आने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी चीजें चल रही होती है ना, क्या उसके लिए बगैर प्लान करते हो, निकलना सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा तो होता है। अब ये जनाब तीन का ताकड़ा है, ये तीन का ताकड़ा मीन्स कि हम कोई तीन चीजें पूछेंगे आपसे लाइट मोड में। सो लेट्स स्टार्ट विद यू नाउ गर्ल्स फर्स्ट। 3 थिंग्स दैट मेक योर हॉलीडे अ ग्रेट हॉलीडे। फ्रेंड्स, ओके नाइस, और गुड फूड, ओके, Netflix. सही कहा। 3 things when you notice when you meet someone for the first time. Attitude बहुत जरूरी है। Clothing. Mm-hmm. And I guess the way of talking. हाँ सही बात है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। 3 things you are afraid of. क्या बात है, आप सही जवाब दे रही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओके, 3 थिंग्स which are in your to-do list jo hai is waqt. To-do list, international vacation, wo to bahut zyada hogi, bahut zaruri hui bhi hai. Aur to-do mein haj, okay, to khair international mein aa jata hai, phir bhi haj ek separate cheez hai. Teesra ek wo to-do list mein, aur teesra hai expanding my work. Ha bilkul sahi. 3 apps which you love and you think are very necessary on your mobile. Usko mera chara nahi hai. Instagram YouTube, Netflix, bas. Facebook bhool gayi, WhatsApp bhool gayi. Fir main aapse sawal ye karta hu, mujhe kya sawal hai bataye? Mere liye Facebook is bahut zaruri hai. Instagram and WhatsApp. WhatsApp bhi bahut zaruri hai. Ye teen cheeze hai. Acha WhatsApp hai par main pata nahi itna zyada, mujhe Instagram sabse zyada acha lagta hai. Oh nice, sahi hai. Acha aapse dobara sawal, 3 words you love about Punjabi, मतलब ऐसे words Punjabi में हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, 3 लव्स। एक तो सबसे best word है जब कुछ समझना है, ये मतलब conversation की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इसका मतलब तनुकी होया है। फिर सानू की सारी बात कर दी, मिट्टी पाव पूरी gossip के बाद चले सानू की। और तीसरा तीसरा कौन सा, वैसे तो पंजाबी में गल है, पंजाबी मेरी वैसे फेवरेट है बहुत ज्यादा, काफी मजेदार वर्ड होते हैं वैसे। सही बात, चलें ठीक है। मतलब 3 फूड्स यू कांट स्टॉप योर हैंड्स एट, मतलब कि बस सामने आ गए तो ये मैंने खा के छोड़ने हैं। बिरयानी यू लव इट? आई लव इट, स्पेशली अम्मी की आती है। ओह माय गॉड, बिरयानी कराची के हों और बिरयानी पसंद ना हो। एग्जैक्टली, और दाल चावल भी लव है। अब कल रात को भी एक बुफे था, उस पे दाल, मैं दाल ही खाता रह गया। हाँ। क्योंकि वो सही किसी म्यूजिकल घर से बन के आई हुई थी। अच्छा, तो वो म्यूजिकल खाने होते हैं ना। ईद के 3 दिन मटन और बीफ खा के दाल वाकई अच्छी लगती है। यू आर राइट, ये पॉइंट मैं वो खाता रहा। और दाल चावल, देन मेक इट चाइनीज। चाइनीज, हाँ सही बात है। राइस जहाँ पे होना वो एलिमेंट मैं नहीं छोड़ सकता। राइस तो लव होते हैं। राइस, अब तो राइस की भी इतनी वैरायटीज आ गई हैं। लास्ट क्वेश्चन है ना आपका है 3 में कि 3 गिफ्ट्स जो आपको मिले आज तक, बेस्ट 3 बेस्ट गिफ्ट्स। गिफ्ट्स मुझे
मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि कोई मतलब किसी ने खुद कुछ एफर्ट किया हो, कुछ बनाया हो ना, मेरे लिए वो ज़्यादा स्पेशल होते हैं. मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे लिए एक गिफ्ट बॉक्स था, उसके अंदर मेरी और उसकी काफ़ी सारी पिक्चर्स थी जिसको उसने यूं मतलब साथ जोड़ा हुआ था. जब उसको गिफ्ट बॉक्स को खोलते थे तो सारी पिक्चर्स यूं खुलती थी. ओह माय गॉड. और फिर जब बंद करते थे वो सारी उसके अंदर. एक वो बहुत स्पेशल था. और कोई खास परफ्यूम? मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है. ना? और मुझे याद है मेरी आंटी ने मुझे मेरा फेवरेट परफ्यूम गिफ्ट किया था. वो एक बहुत स्पेशल है. और थर्ड मुझे भी फिलहाल याद नहीं आ रहा. पर ये दो. आपके लिए लास्ट क्वेश्चन ये है, थ्री थिंग्स व्हिच यू ऑलवेज हैव इन योर कार विद यू. इन माय कार विद मी. वो उनके बिना जाते नहीं है. ये इसके बाद चारा नहीं है. माय शेड्स, माय ग्लासेस. वो जरूरी है आजकल तो. और इतनी धूप पड़ रही है ना आजकल. माय फोन एंड माय वॉलेट. वो तो चले आपके वैसे होता है ना. ग्लासेस के बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज वो मैं बोल नहीं सकता. ये भी ठीक है. आला. अब कुछ लाइव सुन ले निर्मल. आपसे बहुत अच्छे से बैठे हैं आप. लाइव नहीं हम सुन पा रहे. कुछ लाइव सुनाइए आप. अब सॉन्ग ऑफ योर चॉइस. ओके. सिंगिंग. क्या बात है ना. मतलब nice. क्या हॉबीज जा रही है भाई आप लोग. गर्मियां बहुत अरूज पे आजकल. कुछ कैजुअल बातें भी हो जानी चाहिए. गर्मियां हैं, बारिशों का नाम बस आता है, छनक करके चली जाती हैं. आती भी गर्मी रहती है ना. हफ्स बहुत ज्यादा है. गर्मियों में क्या हॉबीज होती हैं आपके निर्मल? हॉबीज कोशिश होती है कि दोपहर के टाइम तो जरा घर में ही रहे, शाम को कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए. और हॉबीज ये है कि मैं आजकल पियानो भी सीख रही हूँ तो फिलहाल तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ. और गिटार प्लेइंग मुझे आती है और साथ साथ म्यूजिक तो साथ साथ चलता है. तो मेरी हॉबीज मोस्टली म्यूजिक रिलेटेड है. जबरदस्त. और आपकी क्या हॉबीज जा रही है? हमारी तो बस सुबह से रात तक शॉप पे, और शॉप के बाद फिर या तो कहीं अपने किसी फ्रेंड्स के फार्म हाउस पे चले जाते हैं, वहाँ पे स्विमिंग कर लेते हैं गर्मी जितनी है, और या कहीं ड्राइव पे चले जाते हैं. जबरदस्त. यही चल रहा है. ठीक हो गया. सही हो गया. एक आखिरी गेम खेलेंगे हम. कसौटी है हमारे पास. और कसौटी में ये होगा कि आई विल बी शोइंग, इनको मैं दिखाता हूँ मायरा खान फॉर एग्जाम्पल. आपने गेस करना है इनके पास कौन सी सेलिब्रिटी की फोटो है, और आपने को तीन सवाल करके गेस करवाना है वो. अच्छा. मैं लेकिन हिंट दे दूंगा बिल्कुल आपको. ठीक है. मशहूर सेलिब्रिटी होगी. ठीक है. आपसे स्टार्ट करते हैं. अभी अभी मैं बताता हूँ. उन्होंने पहले बता दिया आपने. मीरा. ओह माय गॉड. कैसा. चलिए ये भी कर सकते हैं कि मैं जो शक्ल दिखाऊंगा ना उन पे आप कोई तीन हिंट्स खुद उनको दे दें, आप जो समझते हैं. फिर लेट्स सी वो गेस करता है. ये भी अच्छे लगे मुझे ऑप्शन वैसे. हां बस ऐसे ये ठीक है. हां रैंडम ठीक है. उसमें गेस करवा देंगे. ओ तीन अल्फाज बोले, लाइंस ना बोलिएगा, बस तीन वर्ड्स बताएं. अभी आपने उनका गाना नहीं, अभी ये नहीं कहना अभी आपने उनका गाना गाया. अच्छा, वर्ड्स बोल सकते हैं आप. अच्छा, योर फेवरेट. अभी सुनती रहे. तीन हिंट्स होंगे ना. और नाम ले सकता हूं मैं? और कोई बता दें क्या? क्या हाँ बोल दें. रावी. ओके. सजाद. ये आसान हो गया. ये बहुत आसान कसौटी हो गई है. चलिए देख. मेरा कुछ चलिए देखिए. मेरा ये होता था कि आप सब चलिए आप कर लें. अब चलने दें आज गेम को ऐसे ही. हम तीन चार पूछ लेंगे ना. अब बताओ ना ये हिंट्स कहाँ से लाओगी. ये तो बात है सारी. अच्छा मैं आपसे तीन सवाल पूछ लेता हूँ ना. अब क्या अपनी मर्जी पे तो नहीं चलेगा यहाँ पे. अब तीन हिंट्स ही होगी. आप बताएं तीन हिंट्स. Actress? ये हिंट तो ना हुई ना. ये तो फीमेल ही ना. फीमेल फिल्म एक्ट्रेस. फिल्म एक्ट्रेस. अच्छा. और मैं हिंट दूं? हर नेम स्टार्ट्स विद आर. इतनी हिंट. आर. और तीसरी हिंट मैं दे दूं? अमेरिका में रहती हैं वो. अच्छा ये मुझे पता नहीं था. अमेरिका में सेटल्ड हैं विद डॉक्टर हस्बैंड. डॉक्टर उनके हस्बैंड है. अमेरिका में एक बेटा हो चुका है. पूरा बायोडाटा आपको मिल गया. ये 90s की हीरोइन है. 90s की हीरोइन है. मीरा की बेस्टीज में टाइप. रेशम. रेशम की शादी कहीं नहीं हुई. वो कहीं अमेरिका नहीं गई. वो ऐसे ही होती है. आर तो बताओ फिर. कौन है फिल्म एक्ट्रेस 90s के जमाने की? ओह माय गॉड. आप लोगों को नहीं पता मैं कितने जावा. लेजेंड. अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे मेरी शादी हो गई है. ऐसे बोलती है वो. अल्लाह पाक का शुक्र है. अब तो बता दो. आर से नाम स्टार्ट होता है. नहीं आ रहा इनको ही. फिर गेम हार जाएंगे ये वाली भी. कौन? रीमा जी. ओ रीमा जी. अमेरिका में शादी हुई है ना इनकी. हाँ डॉक्टर. जी जी डॉक्टर ही है वो. अच्छा जी
ये कौन है? ये कौन है? ये वो है। मैं कितने जावा? अच्छा, जिस औरत ने गा गा के जिंदगी दान कर दी। अब ये मुझे नहीं पता। उनको पता नहीं है, वो हिंट कैसे देंगे? सिंगर है, मैं हिंट दूं आपको, बताता हूं। फीमेल सिंगर, गल सुन ढोलना, हर लॉन्च पे होती हैं, हर इवेंट पे होती हैं। हुमैरा जी? हुमैरा अर्शद, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक लास्ट लास्ट हम देंगे, हिंट्स की बारी है अब आपको। हिंट्स दें अब मैं मूवी का नाम। फीमेल एक्ट्रेस सुपरस्टार्स में आती हैं, पाकिस्तानी फिल्म ड्रामा बोथ। बागी? बागी, बागी? इतना बड़ा हिंट दे दिया। सामा कहाँ रहते हो यार? मैं नहीं निकलो स्टोर से बाहर, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं ना ड्रामा, उसामा दुनिया बहुत बड़ी है जान, मैं ड्रामे नहीं देखता। उस शानदार स्टोर से बाहर भी दुनिया बसती है। अच्छा, बागी लाहौर से आगे। नाम इनका किस से स्टार्ट होता है? एस। एस से? और इनके बारे में? सुपरस्टार पाकिस्तानी, मायरा नहीं है, पाकिस्तान्स लीडिंग। मैं भी शायद नहीं है। अभी हाल ही में इनका एक हुआ था मशहूर कि इन्होंने शादी का गाता, शादी नहीं करी उसके साथ, शादी नहीं करी उसके साथ, किस लड़का था उसके साथ, नहीं करी। एस से नाम स्टार्ट होता है। आपको ये नहीं आया जान? कौन है? ला 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 सवा कमर। और लास्ट आ गया है अब, पता ना इसका क्या? अच्छा ये हाँ वही है मेरा ख्याल है। कौन? जिसका भी आपने बताया, जिनका भी नया गाना आया है। चल, नया गाना आया है। आतिफ असलम? नहीं, फीमेल एक्ट्रेस है। नया गाना आयमा बेग? नहीं नहीं, अभी और हिंट देना। और एक्ट्रेस है ये? सजल। या एग्जैक्टली, और ये गेम में लगता है आप जीत चुकी हैं। लेकिन आपकी नॉलेज पे होल्ड पूरा था। ये मानना पड़ेगा मुझे, आला है। आला वाली, आला वाली। लेकिन उससे पहले कि हम आला वाले सुने, क्यों ना पहले हम अपने वाइंड अप मैसेजेस ले लें, क्योंकि टाइम मजे का जा रहा है। पहले तो मैं दोनों का बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप दोनों ने आके वाकई आज महफिल को जमाया है। और लेट्स आस्क द प्लान्स वन बाय वन, और फिर उसके हम जाते हैं टूवर्ड्स द मैसेज। पहले आपसे पूछ लेते हैं, क्या प्लान्स हैं अब, किस तरह एक्सपेंड करना है हुमायूं आलमगीर को? इंशाल्लाह अभी फिलहाल प्लान है लाहौर में एक और स्टोर खोलने का। इंशाल्लाह कहाँ पे? अभी सर्च कर रहे हैं। आप तो नहीं होंगे ना? नहीं, मैं हर जगह आऊंगा ना, मैं फिर थोड़ा आधा टाइम आऊंगा आधा टाइम आऊंगा। लाहौर में कौन स्टोर? मोस्ट प्रोबेबली डीएचए में जाना चाहिए, और उसके बाद फिर आउट ऑफ स्टेशन लाहौर से बाहर। बहुत जरूरी। अभी लाहौर से बाहर कराची में है ना? अभी तो कराची में है, मेन है वो तो कराची में है, एक लाहौर है। अब हमारा प्लान है इस्लामाबाद जाइए, सियालकोट, फैसलाबाद या इस्लामाबाद, वहाँ के इज़लू हाइट्स जो है ना, वो तो दे विल लव दिस ड्रेसेस। यस, यू आर राइट। और कोई पैगाम देंगे आप? पैगाम मैं हमेशा से एक ही पैगाम देता आया हूँ, और अभी मैं वही पैगाम दूंगा कि जो आपको अच्छा लगता है ना, जिसमें आप समझते हैं कि आप यू आर द चैंप, आप वही काम करें, वही काम करें। और लोग क्या कहेंगे इसको अपने दिमाग से निकाल दें। आप अच्छा करें, आप बुरा करेंगे, लोग तो बोलेंगे। I don't damn care. लोग तो बोलेंगे। अभी आप शो के स्टार्ट में एक बात कर रहे थे, अभी आपके साथ कुछ हुआ यहाँ पे, तो लोग तो कहेंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग तो बोलेंगे। आप जो मर्जी कर लें, आप अच्छा कर लें बुरा कर लेंगे, लोग तो बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे। सो वो चीज दिमाग से निकाल दें। Do whatever you want and to be do. Confident. Be confident and जो आप कर रहे हो वो सबसे अच्छा कर रहे हो। नहीं नहीं, लिखी है TikTok पे भी हर जगह पे, believe in yourself. Believe in yourself. You are the best. आप सुने सबकी, करें अपनी मान की। बहुत शुक्रिया उसामा आलम बोहरा। Most welcome. Join It was always मजा आता है हमेशा। And coming on your show. Thank you so much. So आइंदा भी आइएगा जरूर इंशाल्लाह। और वो आई और छा गई अपनी खूबसूरत आवाज से। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके आने का। आज मेरा पहला इंटरव्यू आपके साथ हुआ है ऑन एनी टीवी शो, सो आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज यू आर अ ब्लेस्ड वॉइस। सो अब क्या प्लान्स हैं आगे? बहुत सारे OSTs? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स। हाँ जी, अभी रिसेंटली मैंने कुछ OSTs किए हैं। कब आएंगे वो? कोविड से पहले मैंने इतने सारे गाने किए हैं, जो कि क्योंकि फिल्म्स रिलीज नहीं हो रही हैं, तो वो बस स्टक हैं प्रोजेक्ट्स कुछ। सो आई होप जल्दी जल्दी ये सिचुएशन काम डाउन हो और हम वापस जो हमारी रेगुलर रूटीन थी उसकी तरफ आए। फिर बहुत सारा कंटेंट है जो भी है और वो बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। सो आई एम होपफुल कि जल्दी। और आपके इतने सारे निर्मल फैंस देख रहे होंगे, तो कुछ कहेंगे कैमरा सामने आपके? मैं मुझे लगता है कि हम लोग आजकल जब सोशल मीडिया का दौर है, तो हम लोग
जब अपने फोन्स के पीछे होते हैं तो मतलब हम काफी जजमेंटल हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को देख के ना जो हमारे दिल में आता है, जो हम सोचते हैं, मोस्टली नेगेटिव चीजों के बारे में बोल रही हूँ कि हम वो लिख देते हैं, पर वो नेगेटिव चीजें किस तरह से किसी को अफेक्ट कर जाएं, यू नेवर नो. बिल्कुल. और आपको पता है कि आजकल किस तरह से हमारी यूथ जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है. सो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी काइंड. और जब भी आप कहीं पे भी कमेंट करते हैं, जस्ट ट्राई टू बी काइंड और कुछ पॉजिटिव बोलने की कोशिश करें ताकि उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए, वो खुश रहें. बिल्कुल ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी हसीन आमद का, बहुत शुक्रिया उसामा आपका. नाज़रीन यहाँ पर हम एंड करेंगे शो को इस दुआ के साथ कि बी सेफ, बी हेल्दी, बी वेल्दी. और वो जो बात इन्होंने की है, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने बारे में सोचें, साइड वाइड की बातों पर कान धरना बंद कर दें. कोई आपसे क्या कहता है किसी के बारे में, क्या जरूरत है सोचने की, दिल की बात है कि दिल क्या कहता है उस बंदे के बारे में आपका. exactly. है ना? और आपका अपने बारे में क्या दिल क्या कहता है, ये फोकस करें. ये भी बहुत फोकस करें. कल मिलेंगे, नया शो होगा. नहीं मतलब कल एक बड़े अच्छे गेस्ट हमारे आ रहे हैं, आपके फेवरेट सिंगर हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन यू विल लव हिम लिसनिंग टू हिज म्यूजिक. और वो अभी मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा, हम सरप्राइज रखते हैं. फिलहाल गाना होगा आला वाली, आई लव दिस सॉन्ग. जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है. डोंट फॉरगेट अवर व्हाट्सएप नंबर, अवर सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जहाँ आप आके अपना गिव अस योर फीडबैक कि आपको हमारा शो कैसा लगता है. और एक बार फिर से आप सबको अब्बासी ईद मुबारक हो. ईद तो चली गई, अब तो अगले साल ईदें आएंगी, बहुत सारा अभी वक्त बाकी है. लेकिन बी सेफ और लेट्स एंजॉय द ट्यून्स ऑफ आला वाली. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान कल लौट के आऊँगा, आ जाइए.